Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. This is your daily current affairs show. और इस शो में हम कवर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पास्ट डे से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो आपने कल जो भी न्यूज़ पढ़ा था, जो भी आपने करंट अफेयर पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आज के हम क्लास में कवर करने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पर जितने भी लोग आ चुके हैं तो सेशन को आप लाइक कर सकते हैं. ओके, फिर शुरू करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से. देखो, अगर ये सेशन आप ऑनलाइन देखते हैं, लाइव देखते हैं, या फिर आप इसको बाद में क्लास खत्म हो जाने के बाद अगर ऑफलाइन भी देखते हैं, तो आप फर्स्ट से लेकर जो लास्ट तक क्वेश्चन आते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं हमारे, तो आपको पेपर पेन लेकर उस अपना जो आंसर है वहाँ पर मार्क करना है. और आपको लास्ट में चेक करना होता है कितने क्वेश्चन आपको याद रहते हैं, कहाँ आप स्टैंड करते हो इन करंट अफेयर्स. ओके, तो आप खुद को एनालाइज कर सकते हो उससे. ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. ग्रुप ऑफ सेवन एनवायरमेंट मिनिस्टर मीट हेल्ड इन विच सिटी. ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है जो सेवन कंट्रीज हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेवन जो है वो सेवन कंट्रीज का एक ग्रुप है, उनके एनवायरमेंट मिनिस्टर की एक मीटिंग हुई थी. तो वो मीटिंग हुई कहाँ पे थी, व्हाट वाज द वेन्यू. ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेट्स फ्रांस. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है. अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. वो है कि फ्रांस जो है कैपिटल क्या है, पेरिस है. ओके, एंड द करेंसी इज यूरो. अगर आपसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, एडोर्ड फिलिप जो हैं वो क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं. कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं. लेकिन अगर आपसे यहाँ पर प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे, ठीक है, अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो आप क्या बता देंगे, इम्यूनल मैक्रोन जो हैं वो क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, फ्रांस के. ओके, सो ये सारी चीज़ें जो थी आपको यहाँ से याद रख लेनी थी. अब देखते हैं व्हाट इज G7. ओके, सो यहाँ पर आपको दिखाया गया है G7 इज ब्रिटेन. यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, ब्रिटेन है, कैनेडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान एंड US. ठीक है, तो ये सारी टोटल सेवन कंट्रीज हैं. और ये कितने दिन का मीट हुआ था, दो दिन का यहाँ पर मीट चला है, टू डिस्कस स्टेप्स रिक्वायर्ड टू हैंडल डिफोरेस्टेशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, डिप्लेशन ऑफ द कोरल रीफ्स. ओके, इंडिया ऑल्सो टुक पार्ट इन द मीट. ओके, सो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया G7 में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इंडिया ने इसमें क्या किया था, पार्ट लिया था. ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रख लेनी थी. देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वीके कृष्णा मेनन अवार्ड. ठीक है, तो आपको बताना है वीके कृष्णा मेनन अवार्ड जो है वो इस बार किसको दिया गया है. ओके, ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है. इट इज़ एन अवार्ड जो किस में दिया गया है, जर्नलिज्म के फील्ड में दिया गया है, ये आपको याद रख लेना है. अब जर्नलिज्म के फील्ड में ये किसको दिया गया, ए बी सी डी ऑप्शन में से. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज G.D. रॉबर्ट गोविंद्र. ठीक है, सो आपको गोविंद्र जी हैं उनका नाम यहाँ पर याद रख लेना है, उनको दिया गया है वीके कृष्णा मेनन अवार्ड 2019 के लिए. अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ही वॉज गिवन दिस अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म. ठीक है, सो जर्नलिज्म के फील्ड के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था. ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ बीन अवार्डेड द वीके कृष्णा अवार्ड फॉर पोस्टमसली. यानी उनकी डेथ जो थी वो 2016 में हो चुकी थी, उनकी डेथ के बाद में उनको ये अवार्ड दिया गया है. और ऐसा पहली बार हुआ है कि वीके कृष्णा मेनन अवार्ड किसी ऐसे पर्सन को दिया गया हो जो जिसकी डेथ हो चुकी हो. ओके, सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको यहाँ से याद रख लेनी थी. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया टाइड अप विद IIT कानपुर टू अपस्किल उन्नत भारत अभियान. ठीक है, तो ई गवर्नेंस सर्विसेज जो इंडिया की है उसने टाई अप कर लिया है विद IIT कानपुर. किसके लिए, टू अपस्किल द उन्नत भारत अभियान. यू हैव टू टेल मी हियर, उन्नत भारत अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री. ठीक है, सो आपको यहाँ पर बताना है उन्नत भारत अभियान जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री से यहाँ पर रिलेटेड है. वट इज़ द करेक्ट आंसर हियर अमंग द ABCD ऑप्शन. ओके, ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है आपको बताना है. ओके, सो देखते हैं यहाँ पर आप क्या करेक्ट आंसर बताते हैं. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज HRD मिनिस्ट्री. ओके, सो उन्नत भारत अभियान जो है वो किसका इनिशिएटिव है, HRD मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है. अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता होना चाहिए, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ HRD. यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ HRD, HRD मिनिस्टर कौन है. सो हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं वो कौन है, प्रकाश जावेडकर.
ठीक है, तो प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो क्या हैं, हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ प्रकाश जावड़ेकर, ये आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे अगर आप सेशन को ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो। ठीक है, तो आपको बताना है प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। तब तक हम देखते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। आपको पता है जैसे फ्लिपकार्ट है उसके अपने हैं, ठीक है, हर एक जो वेबसाइट होती है, हर एक कंपनी जो होती है उसके अपने ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, लेकिन मिंत्रा के अब तक के कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। ओके, सो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो सकता है हमारा ए बी सी डी ऑप्शन में से। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ विराट एंड अनुष्का। ओके, सो विराट एंड अनुष्का जो है उसको अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर किससे, मिंत्रा ने। ये चीज़ जो थी यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती थी। अब यहाँ पर देखिए जो मिंत्रा है वो किसकी कंपनी है, फ्लिपकार्ट की कंपनी है, ठीक है, मिंत्रा जबोंग भी बोला जाता है इसको, ठीक है, ये दोनों का ही क्या है। अब मिंत्रा और जबोंग अलग अलग थे लेकिन अभी क्या हो गया, मिंत्रा जबोंग एक हो गए हैं। यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि जबोंग, मिंत्रा जबोंग जो है उसकी हेड कौन है। अगर आपसे इसके हेड पूछे जाएंगे तो आप क्या बता देंगे, अमर नागरम जो हैं वो क्या हैं, हेड हैं किसके, मिंत्रा जबोंग के। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर यू। मिंत्रा इज ओन बाय फ्लिपकार्ट, मिंत्रा प्रमोशन कैंपेन गो मिंत्रा लाला, ठीक है, तो ये जो मिंत्रा का प्रमोशन कैंपेन है उसके बारे में भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, गो मिंत्रा लाला वॉज द प्रमोशन कैंपेन ऑफ द मिंत्रा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच टेलीकॉम ऑपरेटर साइंड मल्टी मिलियन डॉलर आईटी डील विद आईबीएम। आईबीएम के साथ में ये मल्टी मिलियन डॉलर डील किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने साइन की है, ये आपको पता होना चाहिए। ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज वोडाफोन आइडिया। ओके, सो वोडाफोन आइडिया इज द करेक्ट आंसर हियर। इसने मल्टी मिलियन डॉलर डील साइन कर लिया किसके साथ में, आईबीएम के साथ में। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हु इज़ द सीईओ ऑफ वोडाफोन आइडिया, ठीक है, तो अगर आपसे वोडाफोन आइडिया के सीईओ पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, बलेश शर्मा। ओके, सो बलेश शर्मा जो हैं वो सीईओ हैं किसके, वोडाफोन आइडिया कंपनी के। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेम द वॉर हीरो हु हैज़ बीन ओनर्ड बाय इज़राइल। इज़राइल ने एक वॉर हीरो जो है उनको रिसेंटली ओनर किया है, आपको बताना है उन वॉर हीरो का यहाँ पर क्या नाम है। ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ जे एफ आर। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल जे एफ आर जैकोब जो है उनको दिया गया है ये अवॉर्ड, ठीक है, उनको ओनर किया गया है। किसने ओनर किया है, किस कंट्री ने ओनर किया है, यहाँ पर इज़राइल ने ओनर किया है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर देखिए इज़राइल जो है उसकी कैपिटल क्या है, जेरूसलेम है, एंड द करेंसी इज न्यू शेकल। ओके, सो इज़राइल जेरूसलेम न्यू शेकल जो है आपको यहाँ पर याद रख लेना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेम ऑफ द लेजर सिस्टम दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय यूएस एयरफोर्स टू शूट डाउन मल्टीपल मिसाइल्स, ठीक है, तो मल्टीपल मिसाइल्स को शूट करने के लिए एक लेज़र सिस्टम बनाया है, किसने बनाया है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे यूएस एयरफोर्स ने बनाया है इसको। सो ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको बताना है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट लेज़र सिस्टम विच वॉज डेवलप्ड बाई यू एस एयरफोर्स। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शील्ड। ओके, सो द नेम इज़ शील्ड फॉर दैट लेज़र सिस्टम। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दैट शील्ड। ओके, सो शील्ड का फुल फॉर्म जो है वो भी आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर क्या बता देंगे, सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेज़र डेमोन्स्ट्रेटर। इट इज़ डिज़ाइन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द एयरक्राफ्ट फॉर्म इनकमिंग मिसाइल्स, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी कंट्री में अगर मिसाइल्स आती हैं कहीं से तो अगर आप उनसे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप इस लेज़र सिस्टम को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना है। इससे आपको क्या याद रखना है, यूएस एयरफोर्स भी याद रखना है। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
which bank, this is again very important question for your banks, okay, so जो आपको bank news में रहते हो उससे related काफी important question है, which bank has slipped to by 3 places for the first time to come down to 10th spot as a most valued bank. आपको पता है RBI जो है most valued bank जो है उसकी एक list निकालता है, उसमें टॉप पर कौन सा बैंक है, अगर आपको पता हो टॉप पे जो बैंक है वो HDFC बैंक है, यानी इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बैंक है वो कौन सा है, HDFC बैंक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पर नहीं हो सकता है. एक बैंक जिसके पहले 7th पोजीशन थी, ठीक है, 7th स्पॉट पे होता था वो 2017 में, लेकिन अभी वो क्या हो गया, 10th स्पॉट पर आ गया है, एंड दैट बैंक इज यस बैंक. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, यस बैंक है. अब आपको यहाँ से, यहाँ पर यस बैंक से रिलेटेड अगर कुछ भी फैक्ट्स पता है लाइक MD CEO, हेडक्वार्टर, टैग लाइन, तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं ताकि बाकी बच्चों को भी उसके बारे में पता चले, आपका अच्छे से रिविजन हो जाए. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. इन केस अगर आपसे पूछा जाता है नंबर वन पे कौन है, तो आप क्या बता देंगे, HDFC बैंक जो है वो नंबर वन पे है, नंबर टू मोस्ट वैल्यूएबल बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड द नंबर थ्री इज कोटक महिंद्रा बैंक. ओके, सो कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो नंबर थ्री पे आता है, सो इट इज़ ऑफ 6.34 trillion. ओके, ये वाला अमाउंट जो है आपको यहाँ पर याद रख लेना है HDFC से रिलेटेड. ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो नेम इंडियन नेवीज़ 4 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन दैट हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली. ठीक है, तो आपको बताना है इंडियन नेवी ने अपनी 4th सबमरीन है उसको लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है. यहाँ पर ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ INS वेला. ओके, सो INS वेला इज़ द 4th सबमरीन दैट हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन नेवी. ओके, सो अब यहाँ से आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है कि पहली जो 3 सबमरीन्स हमारी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं उनका क्या क्या नाम है. सो कलवरी, खांजरी एंड करंज, ये जो 3 सबमरीन्स थी ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं. 4th सबमरीन जो लॉन्च हुई है उसका क्या नाम है, INS वेला है. ये आपको जो दो नाम लिखे हैं वगीर एंड वक्शीर, ठीक है, ये दोनों भी क्या हैं, हमारी सबमरीन्स हैं जो इन फ्यूचर लॉन्च होने वाली हैं. ठीक है, तो आपको वेला के अलावा इन दोनों का नाम भी इन फ्यूचर पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में. ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है. हु इज़ द नेवी स्टाफ, अगर आपसे पूछा जाएगा हु इज़ द चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, तो आप क्या बता देंगे, सुनील लांबा जो हैं, एडमायरल सुनील लांबा जो हैं वो क्या हैं, हमारे चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हैं. अभी उनकी जगह जो बनने वाले हैं वो कौन हैं, करमबीर सिंह हैं. ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा हु इज़ द सुप्रीम कमांडर, अगर आपसे सुप्रीम कमांडर यहाँ पर पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, हमारे जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ रामनाथ कोविंद जी हैं, वो क्या हैं, सुप्रीम कमांडर हैं यहाँ पर. ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन स्क्वैश चैम्पियनशिप 2019 वॉज हेल्ड इन विच सिटी. ठीक है, तो आपको बताना है एशियन स्क्वैश चैम्पियनशिप 2019 के लिए जो हुई है उसमें कौन सी कंट्री जो है वो वेन्यू था. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है कुआला लंपुर है, दैट इज़ इन मलेशिया. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. आपको यहाँ से जो वेन्यू याद रखना है वो क्या याद रखना है, कुआला लंपुर मलेशिया याद रख लेना है. ओके, अब देखिए यहाँ से जो आपको पता होना चाहिए वो है मलेशिया जो है उसका कैपिटल और करेंसी क्या है. ओके, सो मलेशिया जो है उसकी कैपिटल क्या है, कुआला लंपुर है, और अगर आपसे इसका करेंसी पूछा जाएगा तो आप रिंगिट बता देंगे. ठीक है, तो ये आपको जो चीज़ है यहाँ पर याद रख लेनी थी. अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए एशियन स्क्वैश फेडरेशन जो हमारा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगेन कुआला लंपुर में है. ओके, सो कुआला लंपुर में क्या है, एशियन स्क्वैश फेडरेशन जो है हमारा उसका हेडक्वार्टर है. प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के, डेविड हैं. ठीक है, तो डेविड जो है वो प्रेसिडेंट है एशियन स्क्वैश फेडरेशन की. ओके, सो यहाँ पर दो अवार्ड्स जो थे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो क्या अवार्ड्स हैं वो देखते हैं. सो एशियन स्क्वैश चैम्पियनशिप जो है उसमें मेंस टाइटल किसने जीता है, सौरभ घोषाल ने जीता है, एज वेल एज विमेंस टाइटल किसने जीत लिया है, जोशना चिनप्पा ने जीत लिया है. ठीक है, तो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इंडिया ने दोनों ही टाइटल जीते हैं, दैट इज़ मेंस टाइटल एज वेल एज विमेंस टाइटल. ओके, सो इंडिया वॉन बोथ द टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सो आपको ये दोनों चीज़ें हैं जो याद रखनी हैं. आपसे अगर पूछा जाए जोशना चिनप्पा इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, देन यू विल टेल देम शी इज़ रिलेटेड टू द स्क्वैश. ओके, वो किससे रिलेटेड है, स्क्वैश से यहाँ पर रिलेटेड हैं. ओके,
this is the one question which is related to the days. International, which day is celebrated as International Day of the Midwife? ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है International Day Midwife के लिए कब मनाया जाता है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5th May. ओके, सो 5th May को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ मनाते हैं. अब इसका थीम क्या है वो देखते हैं हम. सो द थीम इज मिडवाइफ डिफेंडर्स ऑफ वीमेंस राइट. ओके, सो वीमेंस राइट के डिफेंडर से रिलेटेड ये थीम रहा है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ओके, सो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, डे का भी पता होना चाहिए एज वेल एज आपको उससे रिलेटेड उसका थीम भी पता होना चाहिए. ठीक है, सो टोटल आज की क्लास में 15 क्वेश्चन है. लास्ट में आपको मुझे बताना है यहाँ पर कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर ठीक कर पाए थे. ओके, सो कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके ठीक कर होते हैं, कितना आप स्कोर कर पाते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं. दिस इज़ द वन क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द ऑबिटरी. ओके, सो ये क्वेश्चन जो है वो ऑबिटरी से रिलेटेड है. मरम राजू सत्यनारायण राव पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड. ओके, सो आपको यहाँ पर बताना है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं, ए बी सी डी ऑप्शन में से. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज अ राइटर. वो क्या थे, एक राइटर थे. ओके, सो देखते हैं हमारा 13th क्वेश्चन क्या है. हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ पनामा. आपको यहाँ पर बताना है पनामा के जो नए प्रेजिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो कौन है, ए बी सी डी ऑप्शन में से. रिसेंट टाइम में इस टाइम पे जो पनामा के प्रेजिडेंट हैं वो कौन है, जुआन कार्लोस वरेला हैं. ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, लेकिन अभी जो उनकी जगह रिप्लेस करने वाले हैं उनको वो कौन है, लोरेंटिनो कोर्टिजो. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्या. ओके, सो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रेजिडेंट बनने वाले हैं पनामा के वो कौन है, लोरेंटो कोर्टिजो. ओके, सो ये नाम जो है आपको एलसी से याद रख लेना है. दिखते हैं हमारा 14th क्वेश्चन क्या है. द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड हाउ मेनी बी बॉक्सेस अंडर द हनी मिशन. आपसे ये पूछा जा सकता है कि हनी मिशन जो है वो कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो आप खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बता देंगे. इसके अलावा अगर आपसे बी बॉक्सेस पूछा जाएगा क्या वहाँ पर टारगेट रहा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, 1 लैख. ओके, सो 1 लैख विल बी द करेक्ट आंसर हियर. देखते हैं आज का हमारा क्या फाइनल क्वेश्चन है. आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, और लास्ट में आपको बताना है कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर ठीक कर पाए हैं. हु हैज़ बीन स्वॉन इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने गए हैं, ए बी सी डी ऑप्शन में से. सो देखिए, छत्तीसगढ़ जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल हैं. छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर वो बने हैं. ओके, अब वहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जो है वहाँ की गवर्नर हैं. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज पी आर रामचंद्र मेनन. ओके, सो पी आर रामचंद्र मेनन जो है यहाँ पर आज का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. टोटल आज के क्लास में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं. आपको यहाँ पर बताना है कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर ठीक किए हैं. ओके, सो आपको अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है. अभी 1-2 घंटे बाद में अराउंड 10 के आसपास आपको क्या होगा, ये इसका पीडीएफ जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप आने वाले दिनों में इसका रिवीजन ढंग से कर पाओ. ओके, और इसके अलावा अगर आपसे आपका कोई भी रिलेटेड डाउट होता है LIC EEO मेन्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.